शर्मा बीकानेर में हैं और पीएम मोदी पर आक्रामक नजर आए। 70 सालों में इनसे झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा, ये कहना है मंत्री रघु शर्मा का। लटके झटकों से देश नहीं चला करता। और साथ ही जब पूछा कि क्या रघु हनुमान की भूमिका में है, तब रघु शर्मा ने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं जो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि इन दिनों आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आते मंच पर, तब मंत्री रघु शर्मा भी साथ होते हैं और उसी तरीके से आज आक्रामकता भी नजर आई और वही शब्द जो है वो सुनने को मिले, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है लक्ष्मण की, क्या हनुमान की भूमिका में है यहाँ पर, क्योंकि अगर राम अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो। देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ये, और हमने पूछा भी तो उनका कहना ये था कि मैं कार्यकर्ता हूं जो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहा हूं। जहां तक रघु शर्मा की बात है, रघु शर्मा एक फायर ब्रांड नेता है जो कहीं ना कहीं अग्रेसिव पॉलिटिक्स के वाहक रहे हैं, और आज भी देखने में आया जब हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस तरह की प्रधानमंत्री देश को मिले हैं 70 साल की आजादी में, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिले, चुटकियां उन्होंने ली हैं। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि इस वक्त रघु शर्मा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, कैंपेन कमेटी के वो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ब्राह्मण नेता हैं, और जिस तरह की बात चल रही है कहीं ना कहीं सभी वर्ग को साधने की, तो वो कोशिश जो है निश्चित तौर पर रघु शर्मा के कंधों पर है। तो एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है उनके लिए, भी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव ये है, हालांकि वे बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस एकजुट है, इन फाइट जैसी कोई स्थिति नहीं है, और जिस तरह से लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं रैलियों में, ये जो जुमले हैं ये चलने वाले नहीं। तो कुल मिलाकर रघु शर्मा निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका में राजस्थान में धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी देने के लिए।